तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। और रफी साहब की महानता कोई सब्जेक्टिव चीज नहीं है। कोई बोले मुझे रफी साहब पसंद है, कोई बोले नहीं मुझे मोहम्मद रफी पसंद नहीं है। जिनको मोहम्मद रफी पसंद नहीं है उनको शायद समझ ही नहीं आता म्यूजिक, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट लाइक देर इज नो कंपैरिजन ऑफ रफी साहब विद एनी अदर आर्टिस्ट, बिकॉज एक वही आर्टिस्ट था जिन्होंने 50 के दशक, 60 के दशक, 70 के दशक और मतलब 80s में, तो 80 में तो उनकी मृत्यु हो गई थी, उसमें उस आदमी ने फिल्म इंडस्ट्री को रोमांटिक गाने, फास्ट रोमांटिक गाने, लोफर सॉन्ग्स, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, देशभक्ति के गाने, भजन, गजलें, कव्वालियां, कॉमेडी सॉन्ग्स, हम अकाले हैं तो क्या वो दिल वाले हैं, ऊंची ऊंची आवाज के गाने, वो दुनिया के रखवाले, सेमी क्लासिकल गाने, मधुबंग राधिका नाचे रे, मंत्र दर्शन को आज, मुस्लिम नाद, सिखों की गुरबानी का भजन है, जे तू बेलिया, वो भी उन्होंने गाया हुआ है। सो एक ही आदमी है जिन्होंने इतने सारे जॉनर्स को अपने 3-3.5 दशक के जो उनका कार्यकाल था उसमें उन्होंने कैप्चर किया। और कोई भी सिंगर जो सिंगिंग को वाकई में शास्त्र की तरह पढ़ना चाहता है वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रफी साहब से मुतासर ना हो।